आज हम ऐसे महामानव के बारे में बात करेंगे जो भारत रत्न और दलित उदारत के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। भीमराव रामजी आंबेडकर को हम उन्हें बाबा साहेब आंबेडकर के रूप में भी जानते हैं। भारत के जाने माने सुधारकों में भीमराव आंबेडकर को प्रमुख सुधारक के रूप में भी हम सब जानते हैं। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव सेना छावनी में हुआ था। उसके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था और उसके बच्चे का नाम यशवंत आंबेडकर था। भीमराव आंबेडकर की पत्नी का नाम रमाबाई और दूसरी पत्नी का नाम शारदा कबीर था। बाद में हम उसको सविता आंबेडकर के नाम से भी जाने जाते हैं। बचपन में आंबेडकर का अछूत के रूप में देखा जाता था। बचपन में आंबेडकर को भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा था। उसने स्कूल बदल दी, फिर भी उसको भेदभाव का सामना करना पड़ा और बड़ौदा में रक्षा सचिव होते हुए भी उसको अछूत का सामना करना पड़ा था। आंबेडकर ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में परीक्षा पास करके 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति की स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। बाद में 1915 में इंडियन कॉमर्स से मास्टर डिग्री प्राप्त की। बाद में रुपये की समस्या, इसका मूल और उसके समाधान, इस विषय पर डॉक्टर थीसिस बनाया। उसके बाद बॉम्बे में सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रोफेसर बने। लंदन में उसको डीएससी प्राप्त किया। आंबेडकर ने जर्मनी में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की थी 1927 में और कोलंबिया में उसको डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। भारत लौटने के बाद उसने मूक नायक नाम का समाचार पत्र भी शुरू किया था। 1927 तक उसने दलित अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। 1932 में आरक्षण के लिए पुनः संधि पर भी हस्ताक्षर किया था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को नियुक्त किया गया था। 1947 में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर नियुक्त किया गया था और बाबा साहेब आंबेडकर 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी की थी। 6 सितंबर 1996 में बीमारी के कारण अपना प्राण छोड़ देते हैं। एक न्यायविधिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारक
के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को आज भी हम याद करते हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी हम आज उसको याद करते हैं। भारत सरकार ने उसको सम्मान देने के लिए 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न के रूप में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को देश सेवा और एक राष्ट्र नेता के रूप में आज हम याद करते हैं और उसके दिए गए जो सिद्धांत है, उसके जो देश उत्थान के लिए कार्य किया है, उस कार्य के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को कोटि कोटि वंदन। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। ऐसे महान राजनेता, दलित उद्धारक और बंधारण में महामूली योगदान देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में अन्य व्यक्ति भी जान सके, इसलिए अन्य व्यक्तियों को भी भेजिए और उसके मित्र और अन्य ग्रुप में भी भेजिए, ताकि उसको भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो सके।